वेदाध्ययन का फल। ओम पावमानेर्यो अध्येत्य ईशिभिः सम्भूतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं समीपदूदकं। ऋग्वेद 6:67-32 सांबे 11:66। शब्दार्थ, यह जो व्यक्ति उपासक ऋषि भी ऋषियों द्वारा सम्भूतम धारण की गई पावमानी अंतःकरण को पवित्र करने वाली रसम वेद की ज्ञान में ऋचाओं का अध्येति अध्ययन करता है, सरस्वती वेदवाणी तस्मय उस मनुष्य के लिए क्षीरम दूध सपि घी मधु उदकम मधुर जल शरबत आदि दूहे प्रदान करती है। शब्दार्थ, वेदाध्ययन से क्या मिलता है? मंत्र में वेदाध्ययन से मिलने वाले फलों का सुंदर वर्णन है। वेद के अध्ययन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए सभी उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करते हैं उन्हें दूध और घी आदि शरीर के पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती। वैदिक विद्वान जहाँ जाते हैं वहीं घी दुग्ध और शरबत आदि से उनका स्वागत और सत्कार होता है और जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वेद का अध्ययन करना चाहिए।